संभल में सपा प्रत्याशी ने चुनाव से पूर्व बड़बोला बयान दिया है। गुन्नौर के सपा प्रत्याशी ने कहा है कि यूपी में कोई प्रत्याशी है ही नहीं। ये बड़बोले सपा प्रत्याशी पूर्व विधायक राम खिलाड़ी यादव हैं, जो इस बार गुन्नौर सपा से चुनाव में लड़ रहे हैं। गुन्नौर में चुनाव की रणनीति और मुकाबले पर नेताजी का कहना है कि यूपी में कोई मुकाबला नहीं है, कोई प्रत्याशी नहीं, बाकी प्रत्याशी फॉर्मेलिटी के लिए लड़ रहे हैं। पूर्व विधायक के बड़बोले बोल जहां चर्चा में है, वहीं आपको बता दें कि भाजपा के अजीत यादव ने 2017 में सपा के गढ़ में राम खिलाड़ी को हराया था। 2022 में जहां और राम खिलाड़ी आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं पूरी यूपी में मुकाबला है कि नहीं, कोई और बाकी लड़ रहा है या फॉर्मेलिटी है, इसका सपा प्रत्याशी को 10 मार्च को जवाब मिलना तय है। नामांकन को आए हैं आप लोग, क्या क्या तैयारियाँ, किस तरह चुनाव लड़ेंगे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय प्रोफेसर रामगोपाल जी, माननीय हमारे पूर्व सांसद रहे मान धर्मेंद्र यादव जी, और हमारे साथ इस नामांकन में उपस्थित परमाननीय पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक गुड्डू मंत्री जी, हम सभी गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र के नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो 12 से 17 से जो विकास कार्य किया था, उन विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जनता का संपूर्ण समर्थन समाजवादी पार्टी को प्राप्त होगा। क्या क्या प्रायोरिटी रहेंगी गुन्नौर को आपकी? जो 12-17 विकास किया, जो कमी रह गई उनको भी पूरा करने का काम किया जाएगा, जो गुन्नौर में विकास की कमी रह गई उनको सब तरह से पूरा करेंगे। मुकाबला किससे है आपका? मुकाबला कहीं है ही नहीं, मुकाबला किससे होगा? मुकाबले में कोई नहीं है, पूरे प्रदेश में कहीं कोई नहीं मुकाबले में। अकेले लड़ रहे हैं क्या आप? और प्रत्याशी नहीं है? प्रत्याशी है, सब नाम फॉर्मेलिटी के लिए प्रत्याशी, लेकिन प्रत्याशी चुनाव मैदान में कोई नहीं है।